बिना पक्षपात के रिव्यू देंगे। खूनो खून हो चुके हैं भैया ट्रेंड के चक्कर में। नचना नच के बताओ। पूरी पॉडकास्ट बन सकता है, बैठ के पॉडकास्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एक घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वो अभी सुबह के बज गए हैं कितने, 9:30 आई थिंक, 9 या 9:30 कुछ ऐसे हो रहे हैं। आज मैं सुबह उठ गई थी 8 बजे क्योंकि हम जा रहे हैं चिची माता। और मैंने सोचा, आपको मैंने वैसे कल के ब्लॉग में बताया था, हाँ मैंने बताया था। सो यस, आपने माओं को मिस किया, इट्स बीन लॉन्ग कि माओं ब्लॉग में आई हूँ। देखते माओं क्या कर रही। माओ से हाई टू एवरी वन। माओ 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 स्लीपिंग चुंडरू मुंडरू हैगा। चिची माता जो है वो पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से चिची माता लगभग है 1.5 घंटा 59 किलोमीटर है और हमें टोटल 1.5 घंटे लग जाएंगे। लेट्स गो। दिस इज द आउटफिट आई एम वेयरिंग। और मैंने कुछ भी मेकअप कुछ भी नहीं किया है। सोचो इयररिंग्स लगा लूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा। सो या दैट्स फाइन। सो टाइम कुछ हो गया 9:40 और हमें पहुंचते 10:11, 11:30 बज जाएंगे भाई। हमें आते आते 4 बज सकते हैं। बड़े तो हलवल ले रहे हैं। देखिए 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 जीरो हवा जीरो क्या है। आपने पंचर हो गया है। अब चल जाएगा क्या? कल भी तूने ऐसे ही किया था मारुति में ना। व्हाट आर यू अप टू? पंचर हो गया अब निकाल इसको। अच्छा होगा ठीक रहा ना। चेक करवा। अभी भरी हमने हवा और शायद पंचर है। आस्ता आस्ता पता है गाड़ी की हालत इतनी गंदी है, इसको धुलाना पड़ेगा। पंचर है भैया कर दे, ठीक करवाना पड़ेगा गाड़ी। ये डुड्डू में इसकी हालत बिचारी की ना बहुत ही खराब हो गई। इसके क्या लगे किल घुस जा। कैसे लगाया गिल्ली डुड्डू में? लग गया होगा इतना सा किल्ला में। थैंक यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बट्टल और यहाँ से हम लेंगे क्या लेंगे, पकोड़े और मिठाई पैक कराएंगे, बर्फी पैक कराइए। सो के लिए हमने मिठाई और पकोड़े जो हम खाएंगे मत्था टेकने के बाद। इस जगह का नाम है बट्टल और यहाँ से भी आई थिंक 40 मिनट्स और लगेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा 11:40। चलो यहाँ पे आपको ना पार्किंग की पूरी जगह मिल जाएगी बाहर ही। दे दो नारियल। अल्लाह भी ले ली। 1 बजे से लेके 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। अभी 12 बज रहे, 1 घंटा है, आराम से चलो। सो यहाँ पे ना पूरी स्टोरी डिपिक्ट की हुई है। खेतों में जाती हुई देवी गलती से जो है मौत हो गई थी पानी में गिरने से। जैसे ही पानी में गिरने से उनकी मौत हुई तो उनकी एक चीची उंगली फिर भी दिख रही थी। और यहाँ पे फिर जब पिताजी गुस्से में आ गए थे तो उन्होंने जो है शराब दे दिया था जितने भी लोग गए थे उनको, जितने भी लोग थे वहाँ उधर उपस्थित उनको शराब दे दिया था। यहाँ पे पिता भी बेटी के साथ जो है जल गए थे। फिर यहाँ पे जो कुलदेवी जो है कुलदेवी के रूप में आई थी चिची माता। फिर पूरा दिखाया हुआ है देवी को कुलदेवी के रूप में पूछते हुए लोग। सुबह हम नीचे आए हैं। यहाँ पे भी 4-5 मंदिर हैं, ये सब मत्था टेकेंगे। यहाँ पे शिव जी, यहाँ पे शिव का भी मंदिर है। चलो पहले मत्था टेक लेते हैं। ओ भाई पाँव जल गए यार। हनुमान जी का मंदिर है।
ये हमारे राम लक्ष्मण सीता, ये आगे हमारी माता रानी सरस्वती माता, ये हम आगे शिव जी का मंदिर, ये भी हनुमान जी का ही। लेट्स गो, इससे पहले मम्मा से बाहर पिटे, मम्मा मेरा वेट कर रहे खाना खाने का सुबह से, क्या भाई बेटा जोर पड़ रहा है, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। चलो जिंदगी से घर से लेके आए हैं हम आलू पूड़ी और वो बैठ के खाएं। पिकनिक चल रही है, फाइनली खाना हो गया, अब हम जा रहे हैं वाटिका। वैसे वाटिका जाने की हालत तो नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल बड़े लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे वाटिका नाम की भी चीज़ होती है। क्या कौन सा थप्पड़ मारना देख मंदिर को से। यार धूप पता कितनी ज्यादा है, प्लीज बहुत गर्मी है। अभी यहाँ तो सर्दियों में मजा आएगा, गर्मियों में या फिर दोपहर दोपहर को, दोपहर नहीं सुबह सुबह, दोपहर को तो हम जा रहे हैं, 2 बज रहे हैं। वो भाई बड़ी गर्मी है, अट्टिका की हालत देख क्या बन गई है। Let me show you the view। नहीं दिख रहा यार, ये को देख सकते हैं खूनो खून हो चुका है भैया ट्रेंड के चक्कर में। हमने एक ट्रेंड की, मुझे भी लगी है वैसे, ट्रेंड इज लाइव ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी। ये बंद कर दिया, दैट्स इट गाइस, चलो अब चलते हैं नीचे। अकेले अकेले खाने को लगा हुआ है पकौड़ास, मजा नहीं आ रहा। भैया पहले ढोल बजा रहे थे, अब बंद ही कर। मैं तो पहुंच गई और कोई भी नहीं पहुंचा, खोल जल्दी कर, जल गई मैं। डिनर करने चाहिए। क्या नाम है आपका? नचना। नच के बताओ। रचना बोला, नचना बोल दिया, नचना बोल दिया, नच के बताओ। बैड जोक गाइस। सो हमने बीच में एक स्टॉप लिया है मानसर, हमने सोचा यहाँ भी मत्था टेक ही लेते हैं। तीन हिन सो फाइनली 2 मिनट का ही स्टॉप था, हम कर रहे हैं बाय बाय, काफी गर्मी है। सो यार लेट्स गो टू उधमपुर। टाइम कुछ हो गया 3:30 और हम आ चुके हैं वापस घर। अभी मैं ना जाके सोने वाली हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मिलती हूँ आपको अब सीधा शाम। सो दोस्तों रात के 8 बज गए, मैं आके सो गई थी। सो यस, अभी हम पीते नींबू पानी, कल इंजेक्शन भी लगना है मुझे, कल संडे है ना, लास्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 11:30 और आज मुझे जो है इंजेक्शन लगना है, वो जा रही हूँ मैं, एंड देन हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। सो पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास और फिर हम जाएंगे केरला स्टोरीज देखने के लिए, तो उसका भी मैं रिव्यू करूँगी। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं देन निकलते हैं। क्या चक्कर हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ तो पंगा हुआ है। ओके शुक्र, लेट्स गो। अपने साहब की लगाई है, पर लगाई कैसे है, पीछे भी पत्थर लगा दिए हैं और आगे भी देखना, ना आगे जाने की जोड़ी ना पीछे जाने की। अच्छा जमा क्या, गाड़ी साफ हो रही है। सो फाइनली मुझे रास्ते में मम्मा मिल गए, मैंने उनको भी उठा लिया और बोला चलो मेरे साथ, तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बाजार में बाजार ब्लॉग भी हुआ मुझसे, फाइनली पहुंच चुकी हूँ। इंजेक्शन जो एक बच्चा है पूछे लगे भैया, फाइनली लास्ट इंजेक्शन लग चुका है, आज के बाद मुझे अगर किसी बच्चे ने कुटा तो मैं उसको काट रहा हूँ, उसको इंजेक्शन लगे। अच्छा मम्मा लगा लिया, हेलो हाय बाय बाय, पानी भी लगा हुआ है बहुत जल्दी करो, नारियल पानी पी लेते हैं, आपने मलाई वाला मिला, थैंक यू।
सो फाइनली गाइस हम निकल गए हैं केरला स्टोरी देखने के लिए, और हमारे साथ सुमित भी जा रहे हैं, तो उसके बाद रिव्यू देंगे आप मूवी देख के। यस बिल्कुल देंगे, रिव्यू देंगे ऑब्वियसली, रिव्यू देना जरूरी है, बिना पक्षपात के रिव्यू देंगे, बिना पक्षपात। तूने अभी मूवी भी देखी ना एक सिमिलर, कौन सी? मैंने सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर, क्या नाम? कलीफत। सेम है वो, मतलब वो स्वीडन पे है, वो इसी चीज पे है, लेकिन वो अलग कंट्री का इशू है, हमारी कंट्री का इशू है, हम अपनी कंट्री का इशू देख के आते हैं। उधमपुर दी बेस्ट, हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे मुझे लग रहा है। हो जाएगा स्कैम तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ो बरे मैं, दिमाग खराब है। 1:20 हो गया, 1:40 का शो है अभी, हम टोल पे ही पहुंचे। Just because of this guy, we are late. चुप कर जा। तूने भी सुबह से उठा रही तुझे। Waste किया है मतलब makeup करने में all that stuff. कुछ भी. सबसे best वो ही है अपना। ये अपना वाला। So 1:45 हो गया और मैं आ रही हूँ, पहले उधर गई हूँ, भैया अभी पीछे आ रहा है। उसने बोला अगर तूने जल्दी जाना है जल्दी जा, चली जा। हम ऑलरेडी लेट, फाइनली मैं आ चुकी हूँ, आई एम लेट। आई थिंक मूवी स्टार्ट हुई नहीं, अभी 10 मिनट लेट हूँ। लेट्स गो, आई एम नॉट लेट गाइस, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जितनी कश्मीर फाइल मतलब इम्पैक्टफुल थी ना, उतनी नहीं चीखों की बढ़ती। प्लीज गिव मी रिव्यूज गाइस, रिव्यूज रिव्यूज देते हैं अभी, चलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, प्लीज दे दीजिए रिव्यूज। यही बोलना चाहता हूँ मैं कि क्या बोलना चाहता हूँ, यू शुड एजुकेट केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। एजुकेट अबाउट रिलीजन, नॉट एजुकेट अबाउट एनीथिंग। सीधी सीधी बात है, अपने काम से काम रखो, लोगों की बातों में नहीं आती, अपने घर वालों की सुनो। लिसन टू योर पेरेंट्स, तो वो तो ही ना बड़े कुछ नहीं दिख रहे, ये देखना। थैंक यू सो मच। अभी मैं देखा एक स्पिनर पूरी पॉडकास्ट बन सकता है, बैठ दी कहीं पॉडकास्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एक घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो पैटी इशू, एक्चुअली रियलिटी क्या है बिहाइंड द पिक्चर तुम्हें पता ही नहीं। थैंक यू जो रात के कुछ बज गए 10:30 और मैं घर वापस आ गई थी, पर मैं व्लॉग करना भूल गई। सो आई होप आपको ये सैटरडे संडे का व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा यू नो ऐसे ऐसे व्लॉग था ये, सैटरडे संडे को मैं थोड़ा सा चिल करती हूँ, तो माफ़ी। मिलते हो आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े मारो, बाय।